इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 58 माइनस का 8.4 है, 8.4 हो रहा है, दिया जाएगा 49.6%, 49.6% का डिस्काउंट हो रहा है। इसको देखिए आप फ्रैक्शनल मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। निर्भर नहीं, वैसे 3 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर डिस्काउंट है तो बस माइनस कर देगा, नेट परसेंट चेंज इसको लिख लो, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ता, वैसे जो भी काफी जल्दी हो जाता है। यस प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड यस डिवाइड बाय 100 प्लस यस वाई जेड डिवाइड बाय 10,000। अब इसमें भी रखोगे वैल्यू 10, 20, 30 फिर भी आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल होगी, जो नेट परसेंट चेंज आएगा और इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वो हो जाएगा 3x प्लस का 3x स्क्वायर बाय 100 प्लस x का 2 बाय 10,000। तीनों वैल्यू इक्वल हो तो फिर 10% का डिस्काउंट, 30 का होता हो गया 3/10, 20 का 1/5 और 10 का 1/10। इसका मतलब है पहले 10 रुपीज था, 3 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 7 रुपीज हो गया। नेक्स्ट 5 रुपीज था, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 4 रुपीज हो गया। 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 9 रुपीज हो गया। देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 500, ठीक है। इसको 100 बनाना आसान हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे और ये 152 ये हो रहा, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, ये 100 हो गया और ये 0.4 अगर ये देखिए डिस्काउंट होने का मतलब है यस कर दिया, पहले पहले 10 थी 7 हो गई, ठीक है। इसको से माइनस कर देंगे, 5 से 4 हो गई, 10 की 9 हो गई, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 500 आ गया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 252 आ गया। तो 252 आ गया यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो अब इसको 100 बनाना है, 5 से डिवाइड कर दिया, 100 हो गया 50, ठीक है। टोटल कितने काम है यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू हम देखते हैं ये करके माइनस करें जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 49.6% का कमी है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, चलिए और एक आप क्वेश्चन कर लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ और।
foundation of a town, first year increased by population of a town, first year increased by 16 and 2 by 3%. 16 and 2 by 3%. And then second year, 16 and 2 by 3. So what is 16 and 2 by 3. 2 by 3%. And the second year decreased by 37.5%. And the second year decreased by 37.5%. And again, increased by 57.1%. Again, increased by 57.1%. On third year, after three years, the population become 165,000. 1,65,000. 165,000. 0,000. And population in the starting of first year. And population in the starting is 1,65,000. Increased by plus percentage. Increased by the minus percentage. Plus percentage. Population of town first year 60, next year 7 over. 8, 5 over. 4, 7, 8. पहले 60 इंक्रीज हो गया 6 प्लस 1 फेल हो गया 8 प्लस 3 डिक्रीज हुआ 8 माइनस 3 5 हो गया 7 प्लस 4 ये हो गया ठीक है तो कितना हो गया इसकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में1,65,000 अगर इसमें हम 3,000 से मल्टीप्लाई करो 3,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,65,000 हो जाएगा ठीक है बस इसमें मल्टीप्लाई करो ये स्टार्टिंग ये 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1,230
परसेंट प्राइस ऑफ शुगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस हाउस वाइफ हाउ मच परसेंट डिक्रीज है कंजम्पशन सो दैट इट्स टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस है इट्स टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10% इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% आपके एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछेगा या तो पूछेगा सेव या फिर पूछेगा डिक्रीज बाय 10% या इंक्रीज बाय या फिर इंक्रीज बाय रहेगा डिक्रीज बाय रहेगा सेव रहेगा तो तीनों क्वेश्चन को मैं एक ही में करा दे रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस एक ही है सॉल्व करने का इंक्रीज हो गया प्राइस तो उसको अपने खर्च को कम करना पड़ेगा तभी तो उसका जो मंथली या वीकली खर्च है उसका वो सेव रहेगा है ना तो कितना परसेंट कम करेगा वो अपने खर्च को जिससे कि सेव रहे उसका खर्च या फिर कितना कम करे जिससे कि 10% और कम हो जाए खर्च या फिर कितना खर्च कम करे वो केवल 10% ही इंक्रीज रहे उसके लिए ठीक है पहला देखते हैं अब मंडेट का इंक्रीज प्राइस ऑफ इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हुआ है ना इंक्रीज बाय 20% 120 हो गए यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर पहले 100 रुपीज का इंक्रीज बाय 20% 120 हो गया पहले 100 रुपीज में जितनी चीजें मिलती थी 120 रुपए में मिल जाती थी ठीक है और कितने परसेंट डिक्रीज करे इस सेम रहे खर्च उसका 100 रुपीज ये डिफरेंस कितने का है 20 का है 120 आप 120 की बेसिस पे देखेंगे कितना परसेंट कम करें ठीक है 20 अपॉन 120 कट करके 1/6 आ जाए 16/3% कम करेंगे ठीक देखो दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन डिक्रीज बाय 10% अगर डिक्रीज बाय 10% है तो क्या करेंगे इसको लॉक कर दिया इंक्रीज बाय 10% मतलब पहले 100 रुपए खर्च था तो 90 रुपए ही खर्च हो ये डिफरेंस कितने का है 30 का 30 बाय 120 1 बाय 4 आ गया 1 बाय 4 को मतलब 25% उसको अपना खर्च कम करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये देखिए डिफरेंस कितने का है 30 का ठीक है 30 और 120 का डिफरेंस हाँ अब 90 क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज बाय 10 है ना सेकंड क्वेश्चन के लिए इतना उसका 10 रुपया और कम हो जाएगा 90 ही हो डिक्रीज बाय 30 रुपीज और 30 120 का कितने परसेंट है 35% ठीक नेक्स्ट इंक्रीज बाय 10% 10% बढ़ा रहे जाए तो क्या करेंगे इधर हो गया सेकंड वाला थर्ड में 110 इतना बढ़ा रहे डिफरेंस कितने का है 10 का 10 बाय 120 कट कर दिया 1 बाय 12 आ गए 1 बाय 12 को क्या ले गया 1 बाय 3% ये 0.3% का डिक्रीजमेंट करना होगा उसको ठीक है ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ए इज 20% ऑफ बी ए इज 20% ऑफ बी देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए
that D is what percent of it? You can A and D. D wanted D alone. अब कह रहे हैं कि A is 20% of B. इसका 20% है, तो इसकी वैल्यू 20 होगी. अब 20 और इसके बीच के डिफरेंस को ये डिफरेंस वाली बात नहीं, कितना आदमी ने ही पूछ रहा है, कितना है उसकी वैल्यू ये पूछ रहा है. ठीक है, ये नहीं पूछ रहा हाउ मच मोर, ऐसा नहीं पूछ रहा हाउ मच परसेंट, ये पूछ रहा कितना परसेंट है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू. तो 100 जो है 20 का कितने परसेंट है? ठीक है, ये हो जाएगा 500. जब कर दो 500% मोर देन बी, वो उसमें आप चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज में अंतर करना जरूरी है. अगर इसको अगर फ्रैक्शन में हम लोग 20% 1/5 निकालें, ठीक है, तो ए को बी को पाई मान लिया हमने. अब इसका 5% 20% है, 20% कौन होगा? ठीक है, तो कितने परसेंट है बी इसका देखने का क्या है, ये 5 होता है या 500% हो गया. ठीक है, 5 टाइम का मतलब 500%, 2 टाइम का